हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरेंद्र। आपका बहुत 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 स्वागत है इस वीडियो में। YouTube की एक नई अपडेट आई है और इस अपडेट में एक खास बात यह है, कुछ आप लोगों के लिए अच्छा है लेकिन क्रिएटर्स लोगों के लिए बहुत ख़राब है और जितने भी हेटर्स हैं वो सारे क्रिएटर्स हैं। समझ नहीं पाएंगे, मैं समझाता हूँ। मतलब कि एक ऐसा YouTube ने एक ऐसा अपडेट दिया है कि अब जब भी वो वीडियो डालेगा तो सामने आप देखेंगे सब फर्स्ट और सेकंड में दो बटन होते हैं, एक होता है लाइक का और एक होता है डिसलाइक का। तो जब कोई ऑडियंस जब उसको डिसलाइक करता है तो हमें ये पता चलता है कि उसको वीडियो में क्यों पसंद नहीं आया। हम इसीलिए बोलते हैं कि नीचे में आप कमेंट करके बताओ आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि आप उसको सुधारने में मदद मिलती है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आपके टीचर आपको हर बार कुछ ना बोले तो आप गलतियों के ऊपर गलतियां करते जाओगे और आपको सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसे करके आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो YouTube के साइट में जब उन्होंने अपने एक YouTube उनके ग्रुप में जब ये वीडियो शेयर किया कि उन्होंने ऐसा अपडेट दिया है कि अब डिसलाइक का बटन आप डिसलाइक तो ज़रूर करोगे, आपकी तरफ से डिसलाइक होगा लेकिन वो क्रिएटर्स को शो नहीं होगा, मतलब वो हिडन हो जाएगा, उनको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में फिर डिसलाइक बटन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। एक तो आप ऐसे जानते हो कि आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम में डिसलाइक का बटन होता नहीं है, टिकटॉक में शॉर्ट में डिसलाइक का बटन होता नहीं है, इसीलिए वो हमेशा वायरल होती रहता है, क्योंकि आप देखोगे तो आप उसको डिसलाइक नहीं कर पाओगे, उसके बारे में कुछ बता नहीं पाओगे और बस उसमें सिर्फ देखने का ही रहता है। तो YouTube में एक ऐसा फीचर था कि आप उसको डिसलाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, लेकिन अब से वो फीचर नहीं मिलेगा। मतलब वो फीचर तो रहेगा लेकिन हिडन रहेगा और क्रिएटर को ही दिखेगा। और सबसे ज़्यादा बड़ा दुख इस बात का है क्रिएटर को, कि लग रहा होगा कि ऑडियंस लोगों को क्रिएटर के लिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं, हमें जब तक आप पता नहीं चलेगा हमारी गलतियां क्या हैं तो हम कैसे उस चीज़ को सुधारेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा, ताकि और बताइएगा साथ में कि डिसलाइक आपने क्यों किया। तो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये अपडेट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, आपका क्या ओपिनियन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो ये बात YouTube तक पहुँचेगी और शायद उसको ये ठीक करेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर करिए, और फिर से मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।